नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। कल गुरुवार को देर शाम अपराधियों ने मोतिहारी वार्ड 30 के वार्ड पार्षद के रिश्तेदार को मारी गोली। श्री कृष्ण नगर छठ घाट के समीप की है घटना। पीछे से सर पर अपराधियों ने मारी है गोली। अस्पताल पहुंचने से पहले ही पार्षद के भाई की हुई मौत। मृतक का नाम रंजीत सिंह है, जो जेल में बंद कुख्यात टुना सिंह का ठेकेदारी का काम देखते थे। मृतक वार्ड 30 के पार्षद मदन सिंह के रिश्तेदार हैं। ठेकेदारी में वर्चस्व की लड़ाई में रंजीत सिंह के हत्या की है चर्चा। भूमि विवाद में मारपीट की गई और रंगदारी मांगी गई। खबर है मोतिहारी जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के सिसवा पटना गांव निवासी नीरज सिंह ने मंगलवार को खेत की जुताई कराने के दौरान गांव के ही कुछ लोगों द्वारा हथियार से लैस होकर हमला करने का आरोप लगाया है। इस घटना में उन्होंने विवेक कुमार, सरोज सिंह, देवेंद्र सिंह, अनिल सिंह, शोभा सिंह, दिलीप सिंह, सेतु सिंह, अखिलेश सिंह, मिंटू सिंह व प्रिंस कुमार के खिलाफ नगर थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने बताया कि पिस्टल से फायरिंग व मारपीट करने के बाद इन लोगों ने आभूषण व नकदी भी छीन लिए और 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। हमले में उनके जख्मी होने के साथ ही ट्रैक्टर व बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जख्मी नीरज व अन्य का इलाज खबर मिलने तक सदर अस्पताल में चल रहा है। लोग दमंग आदमी बा लोग, हम ही तो दिल्ली में रेड़ी पट्टी पर अपन फल बेची ले सा ना। अब हम ही दिन गनी से खेत जोते कालू, उ लोग आए लोग दमंगई के वजह से बहुत क्षतिग्रस्त कैलक लोग। हमारे ट्रैक्टर भी कुछ क्या ही दिलक लोग ना, बहुत लोग लगे बंदूक सारा हथियार से भी लेस रहे। हथियार भी लिया था लोग? हाँ, बहुत हथियार है। लाइसेंसी था कि बिना लाइसेंस? लाइसेंसी बगैर लाइसेंसी सब रहे, सब था। कौन थाना का मामला है? केसरिया थाना के मामला का। कौन कौन लोग थे, नाम बताइएगा? नाम है शोभा सिंह, हाँ, शोभा, विवेक राज, अच्छा, और सरोज सिंह, अनिल सिंह, और क्या कहते हैं सर, देवेंद्र सिंह, और अदर भी लोग, दिलीप सिंह थे, मिठू सिंह थे। यही आएगा सर, और गरीबा वरीबा के भी, मननपुर के भी कई आदमी, लगभग उनमें 200 आदमी रहे। थाना पर आवेदन दिए हैं? थाना पर हमी के आवेदन ना देनी, हम तो अपन खेत जोते गए रही। अच्छा, लोग जबरदस्ती रंगदारी मान ली चाहे जो कुछ मान ली, हमी के बहुत परेशान करेला, बहुत अथी कई लग लोग। कैंप थाना में आवेदन देना है? हम कैंप थाना सदर। जी जी जी, कैंप थाना। क्या क्षति हुआ है आपका? क्षति हमी के एगो ट्रैक्टर नुकसान भेल बा, मोटरसाइकिल दूगो नुकसान भेल बा, ओकरा बाद बहुत मार पड़ल बा। उसके बाद जान से मारने के एकदम ये लोग के क्लियर इरादा रहे, लेकिन हमी के अब जान बचा के वहाँ से कहूँगा भगनी से। क्या नाम है आपका? राकेश। क्या हुआ है आपके साथ? मारपीट हुआ है। कौन मारा आपको? उनका शोभा सिंह, उनका और विवेक और वो अनिल सिंह, सब लोग था। कितने लोग थे? वो 200 आदमी। क्यों मारा है, कारण? जमीन के कारण से, हम लोग का खेत था। जमीनी विवाद है? जी जी, वो जोत रहे थे, ट्रैक्टर लेके गए थे, ट्रैक्टर भी वो लोग थोड़ोड़ दिया, मोटरसाइकिल दो तोड़ दिया। अच्छा, मतलब मुझे मारने का चाहा जान से, रड से मारा मुझे। अच्छा, बात से मारा। आपको कौन है? जमीन किनका है? जमीन किनका? जमीन हमारा है। अच्छा, आपका जमीन है? हाँ। तो वो लोग क्यों मार रहे थे, मतलब उसमें क्या कारण? अपने से जबरदस्ती वो दमंग वाला बात, फर्जी से लिखा लिया। हाँ। दमंग वाला से। अच्छा, तो लोग दमंगगिरी से अपने कब्जा करना। कागज है आपका? आपके पास कागज है? ठीक। नाम क्या हुआ आपका? नीरज। नीरज सिंह। घर? सिसवा पटना। मैं पूजा कुमार, पति रंजन कुमार, भाई मुखिया प्रत्याशी, ग्राम पंचायत राज इनारवा फुलवार की समस्त जनता को चरण स्पष्ट करती हूँ। साथ ही 9 वर्ष 2021 गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हमेशा स्वस्थ एवं सुखी रहे। जय हिंद, जय भारत। यादव के तरफ से इनारवा फुलवार पंचायत के सभी मतदाता मालिकों को
नया साल 2021 की ढेर सारी शुभकामना। साथ ही यह अपील है कि आप सभी मतदाता मालिकों को मुझे अपना बच्चा या छोटा भाई समझकर आशीर्वाद दें। हम इसके लिए आप सभी मतदाता मालिकों का सादर आभारी रहेंगे। जय हिंद।